Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ji, assalamu alaikum. Welcome in our channel, Shine with Us Educates. Ji, students, hopefully aap sab theek thaak honge. This story name is The Little Bird. It is Unit 5 from Modern English, Class 3. जी स्टूडेंट्स, तो इस सारी वीडियो में जो भी वर्ड आप बोल्ड देखेंगे वो सारे डिफरेंट ट्री के नेम्स होंगे। तो अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। अ लिटिल बर्ड हर्ट इट्स विंग्स, एक छोटा सा परिंदा अपने परों को चोट पहुंचा लेता है। इट कुड नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता। द विंटर हैज अप्रोचिंग, मौसम सर्मा करीब आ रहा था। Its family flew away to the warmer lands. इसका कुंबा गर्म सरजमीन की तरफ उड़ गया। The little bird was left all alone in the woods. छोटा परिंदा जंगल में बिल्कुल तन्हा रह गया था। Cool wind started to blow. ठंडी हवा चलने लगी। The little bird needed some shelter to protect itself from the cold wind and wild animals. छोटे परिंदे को सर्दी की हवा और जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए कुछ पनाहगाह की जरूरत थी। The little bird went to the big oak tree and said, छोटा परिंदा बड़े बलूत दरख्त के पास गया और कहा, Can you give me shelter in your branches? क्या आप मुझे अपनी शाखों में पनाह दे सकते हैं? The winter is approaching and my wing is hurt. मौसम सर्मा करीब आ रहा है और मेरे बाजू को चोट पहुंची है। I cannot fly to the warmer lands. मैं गर्म सरजमीन पर नहीं उड़ सकता। The big oak tree said. बड़े बलूत दरख्त ने कहा, No, no, go away. नहीं नहीं, चले जाओ। I cannot let you live in my branches. मैं तुम्हें अपनी शाखों में रहने नहीं दे सकता। You will make nest and ruin my beauty. तुम घोंसले बनाओगे और मेरा हुस्न खराब करोगे। The little bird went to the birch tree. फिर छोटा परिंदा बिर्च के दरख्त के पास गया। It asked him the same question. इसने इससे वही सवाल पूछा। The winter is approaching and I need shelter. मौसम सर्मा करीब आ रहा है और मुझे पनाहगाह की जरूरत है। Can I stay in your branches? क्या मैं आपकी शाखों में रह सकता हूँ? No, no, go away. नहीं नहीं, चले जाओ। I shall not let anyone live in my branches. मैं किसी को भी अपनी शाखों में रहने नहीं दूंगा। One by one, the little bird went to the एम ट्री, मैपल ट्री एंड द विलो ट्री। एक एक करके छोटा परिंदा यलम के दरख्त, मैपल के दरख्त और विलो के दरख्त के पास गया। एवरी वन रिफ्यूज्ड द पुअर बर्ड, सब ने गरीब परिंदे से इनकार कर दिया। द लिटिल बर्ड वॉज वेरी सैड, छोटा परिंदा बहुत अफसरदा था। It came and sat under the spruce tree and wept. ये आकर सप्रूस दरख्त के नीचे बैठ गया और रोया। I cannot fly and it is getting cold. मैं उड़ नहीं सकता और सर्दी पड़ रही है। No one wants me and I shall die. कोई मुझे नहीं चाहता और मैं मर जाऊंगा। When the spruce tree heard this, जब सप्रूस दरख्त ने ये सुना, it said. Don't cry, little birdie. तो कहा, छोटे बर्डी मत रो। You may take shelter in my branches. तुम मेरी शाखों में पनाह ले सकते हो। I shall protect you from the cold wind and other dangers. मैं तुम्हें ठंडी हवा और दीगर खतरात से बचाऊंगा। The little bird happily hopped into the branches of the spruce tree. छोटा परिंदा खुशी से सप्रूस दरख्त की शाखों में चला गया। इट फेल्ट कोजी एंड सेफ, इसे आरामदेह
और महफूज महसूस हुआ। इट वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था। द जुनिपर ट्री ऑफर्ड, जुनिपर के दरख्त ने पेशकश की। यू मे ईट माई फ्रूट वेन हंग्री, जब तुम्हें भूख लगे तो तुम मेरा फल खा सकते हो। सून द कोल्ड नॉर्थ विंड स्टार्टेड टू ब्लो, जल्द ही शमाल की सर्द हवा चलना शुरू हो गई। इट ब्ल्यू वेरी हार्ड, इसने बहुत जोर से उड़ा दिया। ऑल द बिग ट्रीज ट्राई टू स्टैंड स्ट्रेट बट कुड नॉट मैच द फोर्स ऑफ द नॉर्थ विंड, तमाम बड़े दरख्त सीधे खड़े होने की कोशिश करते थे लेकिन शमाल हवा की ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते थे। इट ब्लू डाउन ऑल द लीव्स फ्रॉम द ओक, बिर्च, विलो एंड एम ट्री, फॉर दे वर अनकाइंड टू द पुअर लिटिल बर्ड, इसने तमाम पत्तों को उड़ा दिया। ब्लोथ, बिर्च, विलो और यलम के दरख्त, क्योंकि वो गरीब नन्हे परिंदे के साथ बेरहमी से पेश आए थे। Only those trees had their dresses of green leaves who were kind to the little bird. सिर्फ इन दरख्तों के पास हरी पत्तियों के लवाज थे जो नन्हे परिंदे पर मेहरबान हुए थे। Thanks for watching, students. Hopefully you will enjoy the story. So please be subscribed to the channel. Allah Hafiz.